आज हम बनाने जा रहे हैं चने का पराठा। आज हम बनाने जा रहे हैं। चना मैंने 2 दिन पहले भिगोया था, इसमें अंकुर निकल आए हैं। चलिए अब इसको पीस लेंगे। देखिए मैंने चना पीस लिया है, अब चलिए हम आटा गूंदेंगे। मैंने 1 बड़े बाउल आटा लिया है और ये मैंने चने को पीस लिया है। ये खड़ा चना है, इसको हमने पीस लिया है। पहले मैंने इसको भिगो दिया था। ये 1 बड़ी प्याज है, ये 4 हरी मिर्च है और ये थोड़े से लहसुन है, ये डाल देंगे। इसको मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। 1 स्पून बड़े हमने इसमें घी डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंद लेंगे आटे को। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एकदम यूनिक ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने कभी नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आटे को हमें ऐसे गूंद लेना है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है, नहीं तो ये आटा गीला हो जाएगा। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, आटे को मैंने थोड़ा टाइट गूंदा है, नहीं तो हमें पराठा बनाते नहीं बनेगा। हमें थोड़ा सा आटे को टाइट ही गूंदना है क्योंकि ये बाद में खुद ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। 5 मिनट ढक के रख देंगे इसको हम। आटे को रख के 5 मिनट हो गया है, अब चलिए हम पराठा बनाते हैं। हम आटे को पहले अच्छे से दोबारा से इसको गूंद लेंगे, ऐसे तो सॉफ्ट और हो जाएगा। आटे को ज़्यादा गीला नहीं गूंदना, हमें टाइट ही गूंदना है। ये देखिए आटा हमारा थोड़ा सा पहले से और सॉफ्ट हो गया है। अब चलिए हम पराठे बनाएंगे। आप इतनी इतनी लोई लेके बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। ये चने का पराठा है इसलिए हमें इसे थोड़ा सा मोटा बनाना है। अगर हम पतला बनाएंगे तो खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मोटा मोटा रहेगा तो थोड़ा सा गुदगुदा सा रहेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। इसको बेल लेंगे हम। हमें ऐसे उठा उठा के इसको बेल लेना है। अगर रोटी की तरह हम गोल गोल घुमा के बेलेंगे तो ये नहीं बेलेगा ठीक से। ये देखिए हमने एक बेल लिया है, एक और बेल लेंगे हम। उसी तरह एक और बेल लेंगे। आपने सत्तू के पराठे खाए होंगे, चने दाल के पराठे खाए होंगे, आपने इसके पराठे नहीं खाए होंगे पहले, तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये मैंने चना भिगो के उसको पीस के तो बनाया है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। दही से खाएं, चटनी से खाएं, कैसे भी खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं इसको। चलिए हम पराठे को सेक लेते हैं। हमने पहले से रख रखा था तो हमारा गर्म हो गया है। हमें फ्लेम को तेज ही रखना है। पराठा हमारा एक साइड सिक गया है, इसको पलट देंगे हम। इसमें आप तेल लगा देंगे, आप तेल की जगह बटर, घी, कुछ भी लगा सकते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। आप सबको आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी आप सबको। जब आप पराठे को डालेंगे तवे पे तो फ्लेम को तेज़ कर दीजिएगा, उसके बाद जब सेकेंगे हम तेल लगा के तो थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा। हाई रखने से पराठे थोड़े से जलने लगते हैं, इसलिए जब हम तेल लगाएं तो फ्लेम को मीडियम कर देना है। चलिए देखिए हमारा ये पराठा सिक गया है, अब इसको निकाल लेंगे, पराठा बना लेंगे हम। फ्लेम को फिर से हम तेज़ कर देंगे। पराठा हमारा एक साइड हो गया है, इसमें भी तेल लगा देंगे, इसको पलट देंगे, फिर साइड भी अच्छे से सिक जाए। आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। हमने वीडियो में आपसे पहले ही बोला था कि चने का पराठा एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये मैंने ना सत्तू से बनाया ना चने की दाल से बनाया, मैंने ये चने से बनाया, चने को भिगो के बनाया मैंने ये। ये देखिए हमारा ये भी पराठा सिक गया है। इसी तरह हम सारे पराठे को सेक लेंगे। देखिए ये भी पराठा हमारा सिक के तैयार हो गया है। आप इस पराठे को या आप बिना तेल लगाए चूल्हे पर बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगेगा, ऊपर से घी लगा लीजिए तो खाने में और टेस्टी लगेगा ये, क्योंकि चूल्हे के खाने की बात ही अलग है, उसका स्वाद अलग ही आता है। हमारा ये भी पराठा बन गया है। ये देखिए हमारा चने का पराठा बनके तैयार हो गया है। आप इसको चटनी के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर हम सफ़र में कहीं जा रहे हैं तब भी हम इस पराठे को ले जा सकते हैं, आराम से इसको खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। आप बस इसमें लहसुन और प्याज मत डालिएगा, अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालिए। आप इसमें सारे मसाले डाल दीजिए जो जो हमने डाले हैं, आप काली मिर्च डाल दिए, चाट मसाला डाल दीजिए, मैंने ये सब नहीं डाला है, मैंने और मसाले डाले हैं इसमें। आप जब भी बनाएं ऐसे बना के तब ले जाएं सफ़र में, तब भी खाने में अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। आप सबको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।